गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भाई ठंड कुछ ज्यादा ही हो गई है। आई थिंक राइट नाउ इज -1 डिग्री। इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं हाउ टू डू विंटर शॉपिंग। सो गाइस अभी हम आ गए हैं प्यूमा। आपको दिखाते हैं भाई कि विंटर की शॉपिंग कैसे करते हैं, कौन से जैकेट लेते हैं, कैसा शूज लेते हैं। हुडी वगैरह मिल जाएगी आपको। इसका प्राइस है कितना है भाई 169 लॉटी। तो गाइस अभी मैं फैक्ट्री आउटलेट में, यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक है भाई। इस तरह के शूज़ आपको अवॉइड करना है फॉर विंटर। कपड़े के जूते मिल जाएंगे पर आपको विंटर में ये अवॉइड करनी है बिकॉज इसके अंदर घुस जाता है भाई, पानी घुस जाएगा स्नो। तो योर फीट विल बी आप सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं ऐसे भी नहीं, दिस फॉर समर कैजुअल शूज़ है भाई ये स्नीकर्स। पर यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट में दिखा दो सब कुछ मिल रहा है भाई। देखते हैं गाइस अब यहाँ पे क्या है। ठंड के शूज़ कहाँ है लेकिन यहाँ पे तो कोई ठंड के शूज़ दिख नहीं है। विंटर शूज़ नहीं है यहाँ पे, तुम्हारे जैसे हैं बाकी सारे। तो वैसे आपको विंटर के लिए यू कैन बाय दिस काइंड ऑफ जैकेट। जैकेट की प्रॉब्लम है कि बहुत थिन है ये, ठीक है। यू नीड अ थिक जैकेट जिसके अंदर रेटिंग हो -20 -30 डिग्री पर। अच्छा तो क्या बोलते हैं विंड शीटर नहीं पफर जैकेट। हाँ तो गाइस ये है पफर जैकेट बट ये विंटर में उतना इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे दिस ओके फॉर लाइट विंटर्स पर यहाँ जो ठंड पड़ती है भाई उसके लिए यहाँ पे है ही नहीं शायद। अरे रेचो तो आप ये खरीद सकते हो ये वाला। ये बहुत सही जैकेट है, दिखाओ। हाँ तो गाइस इस तरह के भारी जैकेट ये शायद 5 किलो का है भाई। तो फॉर हाँ बहुत भारी है तो उठाओ। ओह ये देख रहे हो। तो गाइस यहाँ पोलिश विंटर्स के लिए यू कैन बाय दिस काइंड ऑफ जैकेट। ये ठीक है, कितने का ये? हाउ मच इज दिस? 300। दिस इज 400 लॉटी लाइक 8000 इंडियन रुपीज़। तो विंटर जैकेट आप एक ही बार लेते हो भाई और काफ़ी अच्छा लो ताकि आप 2-3 विंटर चला सको। काफी प्यारा जैकेट है, इट्स वेरी हैवी। एक्सट्रीम विंटर्स के लिए अच्छा है। एक्सट्रीम विंटर पोलिश विंटर्स और प्यूमा का भाई तो ब्रांड इज ब्रांड। ये तो सेम है। दिस इज गुड। आई माय बाइट दिस। कितने का है भाई? 30% ऑफ पे चल रहा है गाइस। 30% ऑफ के बाद भी 400 का है। आप समझ जाइए यहाँ पे महंगाई है। इसका प्राइस कहाँ है? इसका प्राइस ये है भाई देखो 694। देखो आपको शो ऑफ करना है तो आप ये भी खरीद सकते हैं। BMW की जैकेट है एकदम मस्त। पर ये है ना ये इतना प्यारा जैकेट है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं खरीद लेता बिकॉज दिस इज रियली गुड फॉर पोलिश विंटर्स। काफ़ी भारी है और इट्स गुड फॉर -10 -15 डिग्रीज। और भाई विंटर जैकेट आप एक ही बार लेते हो एंड यू कैन यूज फॉर कपल ऑफ ईयर्स। देखिए गाइस मेरी रिकमेंडेशन है कि आप प्यूमा की स्टोर में आते ही मत देखिए, आप यहाँ की लोकल स्टोर जाइए, वहाँ पे थोड़ा अवेलेबल ज़्यादा होगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे विंटर शूज़ में ऐसे अंदर फर होता है भाई, लाइनिंग पे ऐसा नहीं लगता लेकिन अगर बर्फ़ गिरने लगेगी तो इसके अंदर बर्फ़ घुस जाएगी, गीला कर देगी जूते को। पैर में पहनोगे ना यहाँ पे देखो ना यहाँ से है पूरा हो। नहीं तब भी दिस इज़ लाइक वाटर प्रूफ शूज़ है भाई ये, तो विंटर्स के लिए काफ़ी प्यारा है। और इसका जो ग्रिप है ना देखो कितना हार्ड ग्रिप है ये, ग्रिप तो हार्ड है तो ये स्लिप नहीं होगा। गाइस इसकी प्राइस है 364। ये देखो ये भी अच्छा है भाई, ये हार्ड सोल है दोनों। ये भी वाटर प्रूफ लग रहा है तो ज़्यादा महंगा नहीं भाई, 300 का है भाई। यहाँ से अभी तो ऑफर चल रहा है हर जगह 30% एंड 64 लॉटी। और क्या लोगे भाई तुम 64 लॉटी में? इंडियन में आप कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज़ तो थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा। आप यहाँ पे आइए, यू कैन परचेस व्हाट एवर यू वांट। तो गाइस ये कि अगर आप किसी प्यूमा, नाइकी, एडिडास ये सब के स्टोर पर जाओगे थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा पर उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है इन द एंड बिकॉज भाई विंटर क्लोथ यू शुड बाई गुड जैकेट्स। और आप एक बार लोगे तो 3-4 साल पहनोगे ना यार कम से कम। तो गाइस आई बॉट दिस जैकेट व्हाट आई एम वेयरिंग 3 इयर्स अगो और अभी तो प्यारा है भाई, देखो पहन रहा हूँ। बंदा पलट के देखने में आती आने लगी है। तो गाइस यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑफर लगाया हुआ है, अभी क्रिसमस आ रहा है तो कैल्विन क्लाइन, तो ये सब भाई समर के लिए सही है। तो गाइस यहाँ पे विंटर में एक चीज़ है, आपको फैशन नहीं देखना है, आपको अपना प्रोडक्शन देखना है भाई। क्योंकि मैं जब पहले साल आया था तो मैं बोला भाई आपको कुछ फैशन नहीं लग रहा है, ये क्या है मतलब। पर गाइस यहाँ पे जो विंटर में लगती है ना भाई तो आप फैशन निकल जाएगा सारा, मेरा निकल गया था। तो गाइस अभी हम हैं फैक्ट्री आउटलेट में, यहाँ पे स्केचर्स है, यहाँ पे लगभग सारे ब्रांड है भाई, ब्रैंगलर। इसमें तो आप जाना मत, वेरी एक्सपेंसिव भाई, इसमें घुसना ही नहीं है। सस्ता है 489। बहुत भारी है ये, कम से कम 10 किलो का जैकेट है, वेरी हैवी, हैवियर देन दैट। हाँ ये काफ़ी अच्छा जैकेट है गाइस, कलर उतना अच्छा नहीं है पर लुक्स नहीं अंदर से इसके अंदर बहुत अच्छी करेंगे आप। अंदर फर और लाइनिंग काफ़ी प्यारी है भाई। अरे लोग देख रहे हैं तो मैं नहीं देखता है। ये बहुत प्यारा जैकेट है, दिस 419 लॉटी की। आप ऐसा जैकेट ले सकते हो फॉर विंटर्स, काफ़ी हैवी है। साले तो हाथ दुख गया पकड़ने, भारी है भाई, बहुत भारी है। एंड दिस फॉर 490 मतलब 10,000 इंडियन रुपीज़ 299। तो बात करने वाले हो इसलिए उसने बोला तुम अंग्रेज ये बोलिए वो भाई। ये देखो कितना प्यारा है, तो कोट है भाई प्रॉपर लीगा। हाउ मच इज दिस? 399 ओनली। पहले 899 का था, 399 का था, ऑफर चल रहा है भाई। तो गाइस यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट में सारे ब्रांड्स मिलेंगे आपको और सारा कुछ डिस्काउंट पे है भाई। चलते हैं कैल्विन क्लाइन। भाई तभी हम गए थे कैल्विन क्लाइन में, वहाँ पे भाई इतना एक्सपेंसिव था सब कुछ, तो हम बोले भाई हमारे बजट के बाहर का है, तो हम आपको भी रिकमेंड नहीं करेंगे बिकॉज इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और भी हम जा रहे हैं टॉमी हिलफिगर में। आप एक कोई ढंग का ले लो जो आपको पसंद आ रहा है, जो आपके बजट में है, बिकॉज दैट विल लास्ट यू कपल ऑफ ईयर्स। ऐसा नहीं है कि आप हर साल ही विंटर क्लोज की शॉपिंग नहीं होती है भाई। मैं तो आई थिंक 2018 या 2019 में लिया था, और जो भी लिया था आज तक पहनते आ रहा हूँ। तो यही है भाई, चीज़ आपको काफ़ी ध्यान रखना है। एक है जैकेट, एक है शूज़, और एक है ग्लव्स और मफलर्स वगैरह। जो भी प्राइस भी दिखा दे रहा हूँ प्रॉक्स कितने का आपको मिल जाएगा, और इन द एंड वो आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन करते हो। बहुत प्यारे प्यारे ऐसे विंटर्स हुडीज भी हैं 377। कपड़ा उससे तो बेकार ही लग रहा है। तो भाई वो कैल्विन क्लाइन सारे कोट वगैरह मिल रहे हैं भाई। इसका प्राइस बता देता हूँ आपको, कोट का कितना प्राइस है। तो ये कोट है भाई 1000 अराउंड 20,000 इंडियन रुपीज़, थोड़ा एक्सपेंसिव है भाई। जैकेट काफ़ी प्यारा है, इज रियली हैवी, आई थिंक इट विल बी रियली गुड फॉर विंटर्स। ऐसे फर भी लगे हुए हैं भाई। दिस इज फॉर 1400, थोड़ा एक्सपेंसिव है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। प्राइस है 1399। पर यहाँ पे आपको ऐसे स्वेटर मिल जाएंगे, इसकी प्राइस है कितनी 524। आप पोलैंड आ रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है फॉर विंटर्स, यू हैव टू वेयर अ लॉट ऑफ लेयर्स। जैकेट आपको काफ़ी मोटा लेना है, एंड जैकेट इज ओनली फॉर आउटडोर्स, बिकॉज आप कहीं भी पोलैंड में अंदर जाओगे ना, इंडोर में हर जगह हीटिंग होती है। यूनिवर्सिटी जाओगे या जॉब पे जाओगे तो आपको जैकेट खोल के ही रहना पड़ेगा, बिकॉज गर्मी लगेगी अंदर। मैं जब पोलैंड आता था तो मुझे समझ नहीं आता था भाई कितना अंदर कपड़ा पहनना है, क्या पहनना है। मैंने पहले अंदर एक टी शर्ट पहना है, उसके ऊपर एक स्वेट शर्ट और उसके ऊपर जैकेट। और तुम क्या पहना भाई? चलते हैं भाई नाइकी। इस तरह का जैकेट पहन के काम चला लें तो नहीं चलने वाला भाई, ये सब फैशन के लिए बस। इतना डिस्काउंट है 369 पे 50%। ब्रो दिस इज रिसाइकल्ड प्लास्टिक फ्रॉम ओशन। कुछ मिलेंगे भाई आपको, ये दिखाओ क्या देखोगे, ये पता नहीं कौन सा मॉडल है, ये नाइकी का कभी देखा ही नहीं है। अरे कुछ रंग बिरंगा भाई, सारे कलर है यहाँ, रिसाइकल्ड वाले बहुत सारे। हाँ ये सारा रिसाइकल्ड वाला, रिसाइकल्ड है। कितना साइज है ये इंसान का है, हवान का हमारे पास में बनी है, वो बनेगी नाम भी। UK 12 नंबर है, और US कितना 42। हम अंदर नाइकी में गए थे, नाइकी में ऐसा कुछ खास दिखा नहीं, वो अपना समर का सेल ही अभी निकाल रहे हैं कपड़े वगैरह। लाकोस्टे में भी शॉप कर सकते हो पर इज एक्सपेंसिव। चलते हैं 4F में, दिस इज अ पोलिश ब्रांड। हाँ 4F। आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे जैकेट मिल जाएंगे, ये है 199, ठीक है भाई। यह है वाटर प्रूफ, स्नो प्रूफ, और पता नहीं क्या प्रूफ है ये। ये बहुत प्यारा जैकेट है इफ़ यू आर वेयरिंग अ लॉट ऑफ लेयर्स, और अगर स्नो वगैरह गिर रही है, हाँ ये बोल रहा हूँ, स्नो वगैरह गिर रही है तो उसके ऊपर आप ये पहन लो। एंड हाउ मच इज दिस? 289। और इसमें चले गया, ये तो स्विट्जरलैंड की ब्रांड है भाई। 1300 बोले लॉटी, इसकी ओरिजिनल प्राइस है 1700 एंड यू गेट फॉर 1300, सो इज लाइक 25,000 रुपीज़। काफ़ी हैवी है भाई। आई थिंक अगर आप ये पहन लो तो आपको माउंट एवरेस्ट पे भी चल जाओगे तो कोई ठंड नहीं लगेगी भाई। स्विट्जरलैंड की नहीं है भाई ये, और जर्मन ब्रांड तो है इतना पता मुझे। ये कैसा है, ये भी उतने का ही है। इसके अंदर कुछ रेटिंग होगी। तो इतना भारी है, एक हाथ से नहीं उठ रहा है। कितना भारी है ये, वेरी हैवी। आखतूंग सब 1400 पोलिस लोटी। कितना भारी, कितना भारी है यार, बहुत ही। हाँ तो गाइस ये सब है एक्सट्रीम विंटर्स के लिए। अगर आप जैसे -30 -20 में रहते हो माउंटेन्स वगैरह में, तो ये पहन लो तो आपको ठंड तो बिल्कुल नहीं लगने वाली भाई। पर्सनली नहीं, ऐसे फर पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों। इस लुक लॉन्डियर टाइप होता है, गर्लिश राइट। हमें देख रहे हैं, मैं अभी पीछे देखा, सब देख रहे हैं भाई, सब देख रहे थे अभी। आई डोंट केयर वैसे, दिस वाज वेरी हैवी ब्रो। ये गर्ल लड़कियों का लग रहा है जो भी है। आई वांट टू सी हाउ मच इज दिस। ये बार-बार उबा का क्या लिखा है? आखतुंग दास क्लाइन गुस्तुक, लाइक वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस। हाँ ओके, तो इसमें सही है भाई। ड्राई क्लीन नहीं करानी है क्या? काफ़ी हैवी है, सिर्फ एक जैसे डिज़ाइन की है लेकिन। एवरीथिंग इज ऑफ द सेम डिज़ाइन। देखिएगा इतनी अच्छी जैकेट है लेकिन थोड़ी सस्ते में मिल रही है 649 में। थोड़ा अच्छा है यार, बहुत अच्छा वाला जैकेट है। मुझे लग रहा है अभी तक का मैंने सबसे एक्सपेंसिव ब्रांड देख लिया यहाँ पोलैंड में। जो पीछे वो जो जर्मन ब्रांड थी, मतलब भाई जैकेट इतना प्यारा जैकेट ना 1600, 1700, 35,000 इंडियन रुपीज़। अगर आपके पास पैसा है तो स्काई इज द लिमिट राइट। फिर सारे जैकेट की जो क्वालिटी दिख रही थी ना, और जो वेट था, वो ऐसा लग रहा था कि आप -30, 40 में चले जाओ तो कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आपके पास पैसा है, इफ़ यू कैन अफोर्ड दोस काइंड ऑफ ब्रांड्स, गो फॉर इट। बहुत अच्छा होगा भाई, 15 साल चल जाएगा जैकेट आराम से बिना टेंशन के। तो गाइस रॉकलो में फिलहाल अभी 0 डिग्री हो रहा है भाई टेम्परेचर, तीन ठंड पड़ रही है भाई 0 डिग्री। तो गाइस हमसे जो भी हो मैंने दिखा दिया कि विंटर शॉपिंग आप कहाँ से कर सकते हो और क्या क्या आप ले सकते हो, जो भी प्राइसेस है मैंने आपको दिखा दिया। ऊपर है बहुत सारे ब्रांड है भाई, कोई लग्जरी ब्रांड है, कोई डिजाइनर ब्रांड है, कोई एवरेज ब्रांड है, कोई प्रीमियम ब्रांड है, कोई सस्ता वाला ब्रांड है, सामी का जैकेट है सस्ता वाला इंडिया का है भाई। तुम ऐसा बोलो। तो गाइस इन द एंड इज अबाउट यू कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो। डॉन्स चलते हैं भाई, काफ़ी प्यारा लग रहा है व्यू, देखो कॉफ़ी वगैरह पीते हैं भाई, बहुत ही ठंड लग रही है, मतलब ठंड ऐसी पड़ना शुरू हो गई ना यहाँ पे अभी। तो अभी हम फाइनल आ गए हैं डेकाथलन। मैं सोचा भाई यहाँ का भी दिखा देता हूँ डेकाथलन का क्या सीन है पोलैंड का। आज मैं यहाँ पे आया हूँ ग्लव्स खरीदने, तो ग्लव्स ऐसा मिल जाता है भाई 24 लॉटी। तो गाइस अगर आपको चीप प्राइस पे अगर आपको प्रॉपर लेनी है विंटर शूज़ तो ये मस्त लग रहा है भाई। हाँ भाई इसमें तो नीचे स्नो लिखा भी हुआ है। विंटर शूज़ परचेस करनी है तो भाई डेकाथलॉन बेस्ट है, सब चीप प्राइस पे मिल रहा है बहुत फॉर गर्ल्स। हाँ तो प्राइस है भाई 229 स्लॉटी फॉर गर्ल्स, भाई बॉयज़ का प्राइस है 189, तो काफ़ी सही है भाई। ठीक है लाइक दिस वन स्नो कॉन्टैक्ट, इसका जो नीचे भाई ये पूरा सेक्शन ही है पूरा प्रॉपर विंटर शूज़ का, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, आप जो भी पसंद आएगा भाई ले लेना। एंड दिस आर 44, ये मेरा साइज़ है यूरोपियन। इसकी ग्रिप इतनी प्यारी है ना, ये पूरा एकदम मस्त काम करेगा विंटर। जो शूज़ की वैरायटी है ना वो तो पूछना ही नहीं है भाई, हर तरह के शूज़ है। उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है पैरों में, तो यू कैन बाई समथिंग लाइक दिस। अंदर से पूरा फर भी है भाई मस्त, 469 इतना एक्सपेंसिव नहीं है भाई। आई थिंक इज़ वेरी गुड प्राइस फॉर विंटर शूज़। यहाँ पे ग्लव्स की भी सारी वैरायटी मिल जाएगी, मैं सोच रहा हूँ ये ले लूँ 15 स्लॉटी। आप आ जाओ डेकाथलॉन, आपको सब कुछ मिल जाएगा भाई। कल में काफ़ी प्यारे प्यारे विंटर जैकेट्स भी हैं, तो यू कैन कम हियर एंड बाय। एंड हाउ मच इज दिस? 549। अब यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी है जैकेट्स का, आपके रेंज के ऊपर है, आप 349 का लेते हो या 449। एंड दिस फॉर -20 डिग्रीज एंड दिस फॉर -10 तो आई थिंक डेकाथलॉन इज़ अ गुड प्लेस टू बाई चीप जैकेट्स। आप यहाँ पर आ सकते हो एंड यू कैन बाई योर जैकेट्स, और बहुत ही वैरायटी है भाई जैकेट्स की, आप देख लेना भाई। गाइस इन केस अगर आपको H&M ज़ारा वगैरह से परचेस करना है तो आप किसी भी नॉर्मल मॉल में जा सकते हो भाई। यहाँ पोलैंड के हर मॉल में H&M ज़ारा बहुत कॉमन, ऑल्सो हैव वेरी गुड ऑफर्स, उनके पास भी अच्छे डिसेंट क्वालिटी क्लोथ होते हैं भाई। सो गाइस रियली होप आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू गाइस हैव एन आइडिया विंटर शॉपिंग कहाँ से करनी है भाई, और फिर कैसे कपड़े लेने हैं, कौन से ब्रांड में नहीं जाना है, बिकॉज यू सॉ सम ऑफ द ब्रांड्स आर रियली एक्सपेंसिव। 1500 2000 पोलिस लॉटी फॉर अ जैकेट, अराउंड 30-40,000 इज लाइक टू मच। आपको भाई माउंट एवर क्लाइम करने जाने रहे हो, जो भी ब्रांड्स दिखाइए आप अगर उसमें से किसी में भी जाओगे तो यू कैन फाइंड अ गुड डील। और सामने आ गया भाई मस्त घूमते हुए आ रहा है, देखो कब से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, बताओ। तो गाइस वीडियो के लिए था, रियली होप यू गाइस एंजॉयड द। हाँ तो ठंड काफ़ी बढ़ गई है भाई पोलैंड में, इस साल कुछ ज़्यादा ठंड बढ़ रही है, पता नहीं अभी दिसंबर भी नहीं है और ऐसे स्नोफॉल वगैरह होने लगी जो भी है भाई, तो ठंड पड़ रही है। सो गाइस आई रियली होप यू एंजॉय द व्लॉग, आई रियली होप कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और मिली होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और नेक्स्ट व्लॉग में लव फ्रॉम पोलैंड, प्लीज मिलते हैं भाई। पैसे होते हैं तो आ जाओ भाई, वो जर्मन ब्रांड में चले जाओ शॉपिंग करने, बहुत एक्सपेंसिव है ना यहाँ के लिए नहीं है वो, टू मच भाई। आई थिंक ओनली फॉर जर्मनी और स्विट्जरलैंड, वो वेस्टर्न यूरोप की ब्रांड पता नहीं कहाँ से आ गई पोलैंड में गलती से। बोलना है